हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग नेक्स्ट सम सॉल्व कर रहे हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स। तो ये भी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर का ही सम आया, राइट? तो जो यूनिवर्सिटी का पेपर था वो वाला सम सॉल्व कर रहे हैं, 20 मार्क का सम था, राइट? तो आज क्वेश्चन लिख दिया, अच्छे से सॉल्व करते। तो रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी क्या कर रही है, इधर अपना जो प्रिफरेंस शेयर्स खरीदा था उसको रिटर्न कर रही है, तो उनको पैसा देना पड़ेगा। लोग आ गए कंपनी के दरवाजे पे, पैसा लाओ। तो भी इधर सीन पढ़ना पड़ेगा, क्या दिया? देखो, सी लिमिटेड के पास कितना शेयर था, 3000 था, और प्रेफरेंस शेयर का नाम है, जैसे बब्लू डब्लू नाम होता ना, वैसे प्रेफरेंस शेयर का नाम है 12%, और एक शेयर कितने का था, 100 रुपये का था। और क्या बोला, फुली पेड अप है। इधर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला? अगर पार्टली पेड अप रहेगा ना तो दो एंट्री और आएगी ऊपर, वो वाला भी सम सॉल्व करना है। पार्टली पेड अप रहेगा तो दो एंट्री और आएगी, वो भी सम सॉल्व करके रखो। कंपनी हैड टू रिडीम, रिडीम मतलब कंपनी पैसा वापस कर रही है, रिटर्न कर रही है, प्रीमियम दे रही है। कितना परसेंट प्रीमियम दे रही है? 10%। तो पहले फर्स्ट एंट्री लिख दो। तो कंपनी क्या कर रही है, अपना शेयर वापस से खरीद रही है, तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो शेयर आएगा तो लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या करेंगे, मतलब कंपनी प्रेफरेंस शेयर का पैसा रिटर्न कर रहा है, तो लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। उसमें कंपनी क्या दे रहा है, जैसे मैं बोला ना, 6 पानीपुरी पे 1 सुक्का, तो उसमें प्रीमियम दे रहा है, तो लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ। तो किसको देगी कंपनी पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। किसको देगी, इधर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या लिखेंगे आप लोग, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, है ना। सवाल है कि कितना शेयर था, 3000, और एक शेयर कितने का था, 100 का था। मतलब 3000 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख का कंपनी को पेमेंट करना है। 3 लाख का तो शेयर है, मेन मुद्दल अमाउंट वो तो देना ही है, उसमें प्रीमियम भी दे रहे। कितना परसेंट दे रहे, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट। तो 3 लाख पे 10%, है ना। तो 3 लाख पे 10% कितना आएगा, 30,000 आएगा। तो टोटल कितना देने का, 3 लाख 30, कितना देने का, किसको देने का, ये ड्यू की एंट्री। किसकी एंट्री है, ड्यू। तो डायरेक्ट ना मैं लास्ट में ना पेमेंट की एंट्री लिख देता तुम्हारे लिए, तो इजी हो जाएगा। देना था 3 लाख 30, देना था बींग अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस होल्डर, इधर लिखेंगे बींग अमाउंट पेड, दे दिया, देना था दे दिया। तो किसको दे रहे पैसा, तो उसको अपन पेमेंट कर रहे हैं ना, कंपनी पे कर रही है, तो अपने पास से पैसा क्या हो रहा, जा रहा है। तो टू बैंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू बैंक। किसको गया पैसा, हाँ, तो प्रेफरेंस होल्डर को क्या कर देने का, डेबिट कर देने का। प्रेफरेंस होल्डर को क्या कर देने का, डेबिट कर देने का, क्योंकि पैसा गया उसको मिला। कितना देने का था, 3 लाख 30, तो 3 लाख 30 हमने दे दिया, 3 लाख 30 पे कर दिया। मतलब कैसा है, पिक्चर में ना विलन आया उसको मार दिया, अब कैसे मारा हीरो ने, वो कहानी अपने को पढ़ने का है। ड्यू पेड, तो सबसे पहले कंपनी ने देखो क्या बंदोबस्त किया, इधर बोला है इट वॉज डिसाइडेड बाई दी कंपनी टू इशू। इशू मतलब बेचा, क्या बेचा कंपनी ने मालूम है क्या, इक्विटी शेयर बेचा, 10 ईच एट पार, मतलब ना कम ना ज़्यादा। ज़्यादा को प्रीमियम बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं, तो कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, राइट। तो कितना बेचा शेयर, कितना शेयर बेचा, 25,000 शेयर। एक शेयर कितने का है, 10 का। तो कभी भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो पैसा आएगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। तो क्या बेचा कंपनी ने, इसको क्या करेंगे आप लोग, क्रेडिट करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कितना शेयर बेचा कंपनी ने मालूम है, 25,000 शेयर बेचा, 25,000 शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब 2.5 लाख का शेयर बेचा ना। तो कंपनी ने क्या किया, 2.5 लाख का बंदोबस्त किया। तो ये हो गया इश्यू ऑफ शेयर की एंट्री, राइट। तो इधर सेम दिया है इश्यू ऑफ डिबेंचर, कंपनी ने डिबेंचर इशू किया, क्या इशू किया, कितना, 1,000, और एक डिबेंचर कितने का, 100 का। तो डिबेंचर इशू किया है तो क्या होगा, कंपनी के पास पैसा आएगा, है ना। और क्या बेचा था, डिबेंचर बेचा ना, इधर लिखेंगे टू डिबेंचर्स। क्या लिखेंगे, टू डिबेंचर्स। अभी तो डिबेंचर का नाम दिया, देखो क्या परसेंट है, वो उसका नाम होता है बबलू नाम लिख दिया, 14%, है ना। तो कितना डिबेंचर इशू किया, 1000 डिबेंचर्स, कितना ऑफ 100 ईच, मतलब 1 लाख का डिबेंचर बेचा, 1 लाख डेबिट, 1 लाख डेबिट, बींग इक्विटी शेयर इशू ऑफ 10 ईच, बींग डिबेंचर इशू ऑफ 100 ईच, ऐसा एकदम सिंपल में लिख देने का। अभी अपने को बंदोबस्त कितना करने का था, 3 लाख। तो इधर अपन लिखे गया कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तो उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, क्या क्रिएट करना पड़ता है, रिजर्व। तो ये ड्यू है, कौन सी एंट्री है, CRR प्रीमियम पेमेंट। तो ड्यू CRR प्रीमियम पेमेंट, ड्यू CRR प्रीमियम पेमेंट, तो इधर लिखेंगे कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। तो अपन को घर से कितना उठाने का वो पता करने का, तो ये फॉर्मूला याद करने का है। तो CRR कैसे क्रिएट करते, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब कितना देने का था अपने को, 3 लाख, वो लिखने का, माइनस फ्रेश इक्विटी इशू। तो 3 लाख देने का है, हमने बंदोबस्त कितना किया इक्विटी से, वो लिखने का, इक्विटी से कितना है, 2.5 लाख। अपने को देना कितना था, 3 लाख, और इक्विटी से कितना अरेंजमेंट किया, 2.5 लाख। तो देना था 3 लाख, 2.5 लाख का बंदोबस्त हो गया, तो शॉर्ट कितना बड़ा, 15,000। तो 15,000 का क्या क्रिएट करेंगे, CRR, मतलब एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो उसको रिजर्व कहाँ से क्रिएट करेंगे, फ्री रिजर्व, कहाँ से करेंगे, जमा किया पैसा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस से या तो जनरल रिजर्व। तो इधर बोला है कंपनी के हैड सफिशिएंट प्रॉफिट, कंपनी के पास बहुत पैसा है, पैसे की कमी नहीं है। सफिशिएंट प्रॉफिट मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस, क्या बोला है,
कभी कभी जनरल रिजर्व लिख के आएगा। तो सी आर आर मतलब कितना जरूरत पड़ा, 50,000। मतलब सी आर आर के लिए कितना रिजर्व क्रिएट किया, 50,000। कहाँ से किया वो इंपॉर्टेंट था। इधर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखेंगे, क्योंकि इधर पूरे पैराग्राफ में प्रॉफिट इधर बोला है और प्रॉफिट के आगे क्या बोला, सफिशियंट प्रॉफिट, बहुत पैसा है। तो जो जरूरत थी 50,000 का वो यहाँ से पूरा हुआ। कहाँ से पूरा हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आपने क्या किया, इसकी इसका टेंशन खत्म कर दिया, 3,00,000 का मंडोली हो गया। अभी आपको प्रीमियम देने का कितना ज़्यादा देने का है, 30,000 प्रीमियम कितना देने का, 30,000। तो ये प्रीमियम की तरह डेबिट है, ये प्रीमियम का लिखा है डेबिट है, तो उसको क्या करेंगे आप लोग क्रेडिट में लिखेंगे। इधर लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। तो प्रीमियम कितना देने का था, 30,000। कितना देने का था, 30,000। तो क्वेश्चन में देखो सिक्योरिटी प्रीमियम है क्या, तो फिर प्रीमियम भी कहाँ से दिया, प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट 30,000 का जो भी अरेंजमेंट है वो भी कहाँ से किया, प्रॉफिट एंड लॉस से कर दिया। तो 30,000 का सेटलमेंट हो गया, मतलब प्रीमियम भी पे कर दिया, राइट। अभी टोटल कितना अमाउंट देने का, 3,30,000। कितना देने का, किसको देने का, तो जब इसको पेमेंट करेंगे तो कंपनी को ऐसे पैसा जाएगा और जो उसको पैसा मिलेगा तो खुश हो जाएगा। तो प्रेफरेंस शोल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3,00,000 भी क्या कर दिया, पे कर दिया, है ना। तो ये 6 एंट्री थी, पर इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आया। देखो ना, इन्वेस्टमेंट सोल्ड करके आता ना, 1,00,000 का इन्वेस्टमेंट, 1,50,000 का बेचा। अगर इन्वेस्टमेंट दिया रहता तो ये वाली एंट्री लिखते, क्या लिखते, पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट जा रहा है, पैसा आ रहा है और इन्वेस्टमेंट जा रहा है। फायदा होता तो किधर था, प्रॉफिट एंड लॉस नीचे आता, लॉस होता तो किधर आता, डेबिट में। ये बोर्ड वाला आसन था तुम्हारे लिए, मैंने सॉल्व कर दिया। तो और भी अच्छा कहा था मैंने, पूरा बोलते हैं ना 15-20 हम सॉल्व कर दिया है। तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो नंबर पे मैसेज कर दो, अच्छे से पढ़ लेना जो भी है, तो 30 सॉल्यूशन तुमको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, थैंक यू, ठीक है। अब आ गया, चलो खत्म।